प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा वापस ले ली गई है। अब उन्हें जेट प्लस सुरक्षा कवच दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने यह फैसला सभी एजेंसियों के इनपुट पर विचार करने के बाद किया है। इनपुट के अनुसार मनमोहन सिंह की जान को कम खतरा है। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि सुरक्षा को लेकर फैसला पूरी तरह से प्रोफेशनल आधार पर किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि निर्धारित समय के बाद सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू किया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसके तहत ही सुरक्षा घटाने या बढ़ाने का फैसला होता है। देश में एसपीजी सुरक्षा केवल कम ही लोगों को दी जाती है। एसपीजी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा बल शामिल होते हैं, जो कि देश के सबसे कद्दावर राजनेताओं की सुरक्षा में तैनात होते हैं। ये बल केवल 4 लोगों, पीएम नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, उनके दोनों बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा करेगा। साल 2004 से साल 2014 तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के करीबी सूत्रों का कहना है कि वो निजी तौर पर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं हैं। वो सरकार के फैसले को मानेंगे। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बीपी सिंह से भी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। आपको बता दें कि भारत में प्रधानमंत्री और गांधी परिवार को एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। इसमें तैनात कमांडो के पास अत्याधुनिक हथियार और संचार उपकरण होते हैं। न्यूज डेस्क।